अच्छा। पाकिस्तान का पहला टीपू सुल्तान है जो वो गुलाब चाड़ के ना तो आता है, कहता है मुझे मार देंगे, ये खाएंगे और भाग जाएंगे। उस पर शूट करो, आपको पता चलेगा कि गोली का माहौल होता है। मेरी बात सुनो, आप कह रहे गोलियां नहीं लगी, तो आशिक को आज तक कभी गोलियां लगी है? सलाम अलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अजान भट्ट, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। व्यूअर्स, माइजा हमीद ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि इमरान जो है, इमरान और शैतान दोनों बंद है। आए अवाम से जानते हैं कि माइजा हमीद का ये जो ट्वीट है, इस बारे में अवाम क्या बयान देती है, आए अवाम से जानते हैं। माइजा हमीद ने कहा है इमरान और शैतान दोनों रमजान में बंद है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? कौन कह रहा है? ये माइजा हमीद, ये जो लेडीज है, ये कह रही नून लीग की ये कारकुन भी है, रहनुमा भी है। भाई इसको अकेला छोड़ के देख लो, अभी मैदान में उसको निकालो, लोग भाग जाते हैं माल चोरी करके। ये खड़ा हुआ है, इसने नहीं कहीं जाना, सामने आओ तो सही, इसको एक मिनट रिहा करो, आप खुद देख लेना इनकलाब क्या होता है। ये रोज रोज अवाम को पुतू बनाया हुआ इन सब ने। आएगा इंशाल्लाह आएगा, और देखना इनकलाब कैसा आएगा। क्या इनकलाब आएगा? ये अवाम को जो सा इनकलाब क्या आएगा आप खुद देखेंगे, इंसाफ होगा। अब इस टाइम में इंसाफ हो रहा है? आप खुद मुझसे ज्यादा समझदार हैं। सर इमरान के दौर में क्या इंसाफ हुआ बताएं ना। यहाँ पर कानून जब इंसाफ नहीं करेगा आप क्या बिलीव करेंगे? यहाँ कोई कारोबार करेगा कि कोई गैर मुल्की? कभी भी नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ लुटेरे, चोर, डाकू ही मुसल्लत रहेंगे, और कुछ भी नहीं हो सकता। ये माइजा हमीद जो कह रही है ये कुछ यार, ये तो रोज आप यूट्यूब पे बैठ के क्या जो मर्जी करते रहे, बात तो सामने आ गई, हकीकत का सामना कर रहे हैं। ये 500 रुपए का आटा दे के गरीब को बैठा देना सुबह से शाम तक, ये इसको आप इंसाफ कहते हैं? ये कह रही है इमरान और शैतान दोनों कैद में है। इमरान खान और शैतान दोनों कैद में है? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। मैंने पहले भी कहा था, मौलाना फजल रहमान ने जुमला गलत बोला था, और ये मैदा ये आप जुमला वापस ले, इंसानों पर ऐसी तोहमतें नहीं लगाए, अल्लाह नाराज होगा और दुनिया नाराज होगी, ये गलत बात है। और बकाया ये है कि मिलकर काम करो, ये मुल्क को जरूरत है। इन्होंने इमरान को शैतान के साथ मिला दिया? नहीं नहीं, वो गलत सोच है, ये जो है ये छोटे लोग हैं, ये छोटे दिल के मालिक है। बाकी ये है कि अगर मियां साहब गए, शहबाज शरीफ गए, जरदारी साहब गए, कोई बड़ा गए तो फिर बात बनती है, लेकिन ये छोटे लोग जो होते हैं ना, ये छोटी सोच के लोग होते हैं, ये बदनाम करते हैं पार्टियों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खाली बातें क्यों लड़े हैं ना? हमने उनको वोट दिया है, ये चोर है, ये मार रहा है, बोल बोल एक मिनट एक मिनट तो बात हुई है, एक मिनट आने बोल रहे हैं, मैंने बोल रहे हैं, मैंने बोल रहे हैं। इमरान खान ने पहले कहा कि हम खुद दहशतगर्द हैं, उसको भी एंड पे अपने सारे ला दिया। वाफदी को कहा सबसे बड़े डाकू चोर हैं, उसको भी साथ में ला दिया। कौन सा इंसाफ इमरान खान ने? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ इलेक्शन हुए, इमरान खान का इंतखाबी, इमरान खान का इंतखाबी निशान छेल लिया बल्ला, ऐसे ही है। सारी पार्टियां एक हो गई, पीडीएम एक हो गई, ठीक है। 200 इंतखाबी निशान मिला आजाद उम्मीदवार को, जो इमरान खान का सपोर्टर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सपोर्टर हूँ, ठीक है, मेरा लीडर है, मेरा कप्तान है और मेरा मुर्शिद है, ठीक है, मेरा मुर्शिद। उसको 200 कौन सा इंतखाबी निशान मिला, वो 200 इंतखाबी निशान से वो जीता। इन लोगों के लिए यही डूब के मर जाने का मुकाम है। अगर ये इमरान खान को मार देते हैं तब इन लोगों की मौत अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मार देंगे तब इन लोगों की मौत है।
इसको ना मारे बाहर निकाल दे तब इन लोगों की मौत है। ये पहला टीपू सुल्तान है, ये न्याजी पाकिस्तान का पहला टीपू सुल्तान है जो गुलाब चाड़ के ना तो आता है कहता है मुझे मार देंगे। वो जना था, वो मर्द था जो बेटी को लेके आया था और पाकिस्तान आप उसका फ्रेंड भी करा लो, एक भी गोली नहीं लगी, कसाई को खड़ा करके उस पे शूट करो, आपको पता चलेगा कि गोली का माहौल होता है। भैया मेरी बात सुनो, आपने गोलियां नहीं लगी, आशिक को आज तक कभी गोलियां लगी हैं? जो जो नून लीग के साथ है वो जरा हाथ खड़े करे, जो जो इमरान के साथ है